माँ का दूध सभी लोगों की गर्भों में यदि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर अगर चाय की जगह में आपको ये काढ़ा मिल जाए तो आपको चाय की आवश्यकता नहीं जाएगी। ये शक्तिवर्धक काढ़ा है, ये काढ़ा पीते हैं तो शरीर में एक अजब सी स्फूर्ति आ जाती है। जिनको गर्म पीने की आदत है चाय छुड़वाने के लिए ऐसा काढ़ा लेना चाहिए। इसमें सारी जो भी चीजें हैं वो सारी शक्तिवर्धक है। इसमें अदरक, तुलसी, पुदीना, सौंफ यानी कच्ची बढ़िया है, सौंफ है जो अपनी एसिडिटी को मिटाती है, मुलेठी है, मुलेठी यानी जेजी है जो अपनी खांसी को कंट्रोल करता है, जीरा है, अजवाइन है, थोड़े से मेथी दाना है, मीठा नीम यानी कई पत्ता उसके भी पत्ते हैं, सॉफ्ट पाउडर थोड़ा सा डाला है और पिपरा हो यानी गलगोरा जो सब ताकत वाला है और सब उबल जाए उसके बाद अंदर देसी गुड़ डाला है जो सफ़ेद गुड़ नहीं डाल सकते हैं, देसी गुड़। तो देसी गुड़ और इलायची, इसमें इलायची अच्छे से डाली है क्योंकि जिनको भी चाय छोड़नी है उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काढ़ा आप अगर आप दो टाइम चाय पीते हो तो आप दो टाइम का साथ में एक साथ काढ़ा बना सकते हैं। केवल सौंफ अच्छे से डालनी है इसमें क्योंकि आपको ये काढ़ा गर्म ना पड़े। सर्दी खांसी कफ है तो उसमें साबुत काली मिर्च पीस के नहीं, हम पीस के डालते हैं उससे क्या होता है एसिडिटी। तो हमें साबुत दो से तीन काली मिर्च एक व्यक्ति के दो गिलास पानी, दो से तीन काली मिर्च साबुत, छोटा सा दो तीन टुकड़ा छोटा छोटा दालचीनी यानी तज, गुजराती में तज बोलते हैं दालचीनी, और एक लवंग और तेज पत्ता जो हम तड़के में डालते हैं तेज पत्ता, उससे ना कफ अपने फेफड़ों में से लंग्स में से उखर के निकल बाहर निकल जाता है। तो एक तेज पत्ता, दो गिलास पानी, दो चम्मच सौंफ और चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर जीरा, साबुत जीरा, आप थोड़ा दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं जीरा, और यूं वन पिंच मेथी दाना, इसमें डी थ्री है, आपके घुटनों की पैरों की आपको कोई तकलीफ है ये चली जाएगी, इससे कॉन्स्टिपेशन भी चला जाता है क्योंकि किसी को ऐसा होता है कि कुछ गर्म पीने के बाद उसको कॉल आता है तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी चला जाता है। इसकी आदत हमेशा नहीं डालनी है, सुबह का वक्त प्रभु कीर्तन के लिए है, ये तो केवल चाय छुड़वाने के लिए है। जब तक आपको चाय ना छूटे तब तक आप ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको छोड़ने का प्रयास करें। एक दिन लिया, एक दिन नहीं लिया, कभी दो दिन नहीं लिया, एक दिन लिया, तो इससे आपकी चाय की आदत करीबन 15 दिन में छूट जाएगी। फिर आप सुबह का एयर फास्ट जो गुरु जी बोलते हैं सुबह में कुछ भी नहीं, हमारा शास्त्र भी कहता है लंघन परम औषध, तो लंघन यानी उपवास, सुबह का उपवास कुछ भी न डालो, आकाश तत्व, तो वो आकाश तत्व हर रोग को मिटा देता है। आजकल आप YouTube पे भी सुनते हैं, सुबह जैन को सुनते हैं इंटरमीटेंट फास्टिंग के बारे में, 16 घंटे का इंटरमीटेंट फास्टिंग वो कोई भी रोग मिटा देता है। तो आप अगर आप नहीं रह सकते हो चाय के बगैर तब तक आप काढ़ा पी सकते हो, लेकिन उसको छोड़ने का प्रयास करें क्योंकि सुबह में अगर हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो हमारे रोग बहुत जल्दी रिवर्स होते हैं, हमारा वेट जल्दी से जल्दी लॉस होता है।
केवल वेट लॉस नहीं होता है, इससे हमारा मन मेडिटेशन में, प्रभु कीर्तन में आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने लिंक जोड़ पाओ। आजकल फोन में 4GB 5GB चलता है, लेकिन सुबह का एयर फास्टिंग और एनिमा लेने के बाद किया जाने वाला मेडिटेशन, यानी एनिमा लेके तो स्नान करना ही पड़ता है, तो सुबह में जितना जल्दी एनिमा करोगे उतना आपके रोग जल्दी हटेंगे और आपका दिन ऊर्जा में जाएगा। तो सुबह का एनिमा उठने के बाद, रूटीन लेटरिन के बाद हो सके तो तुरंत एनिमा करके स्नान कर लीजिए, तो आपका पूरा दिन ऊर्जा में जाएगा। शुरुआत में एनिमा लेना पड़ता है, फिर एनिमा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नेचुरल सोर्सेस भी है जिससे आपको नेचुरल कॉल आएगा, इसकी विधि भी हम आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अमलतास, वो पता है डार्क ब्राउन सिंकी पिंकी होती है, डार्क ब्राउन जिसको गरमाड़ा कहते हैं गुजराती में, हिंदी में अमलतास कहते हैं, वो नेचुरल ब्लड थिनर है, नेचुरल वो अपना कॉल लाता है, बाईपास रुक देता है, इससे रुक जाती है क्योंकि इससे ब्लॉकेज खुल जाती है। नेचुरल ब्लड थिनर, नेचुरल कोलेस्ट्रॉल तो चला ही जाएगा इसमें, और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है अपने आप। कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है तो ज्यादातर बीमारी नहीं आती, इससे खून भी साफ होता है। तो ये नेचुरल कॉल आपका केवल रात को आपको इसको 100 ml जितना पीना रहता है, उसकी सिंगी भी उसको अच्छे से सफाई कर दी पीले कपड़े से या धो दिया, फिर उसको सूख में दो, फिर उसको हल्के से हैमर से जो अपनी भगोड़ा होता है उससे या पत्थर से ऐसे ऐसे दोनों तरफ करोगे वो फूट जाएगा, उसके अंदर से उसका गुड़ निकलेगा, उसको उल्टी चम्मच से या बटर नाइफ से यूं करोगे सब निकल जाएगा। जरा चेक करना कि अंदर कीड़े तो नहीं है। तो ऐसे वजन वाली और मोटी जो है वो अमलतास आपको ले लें, घर में ला के रख दो 8-10, और रोज हमें कितना चाहिए 2 चम्मच, ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कैसा भी कोच के बेसन है टूट जाएगा और आपकी छोटी आँख और बड़ी आँख दोनों साफ होगी, इससे स्किन डिसीज भी चले जाते हैं, कोई भी स्किन डिसीज हो, सोराइसिस, एक्जिमा, दर्द, दाग, खाज, खुजली, जो भी है, खुजली तो बिल्कुल मिट जाती है। तो क्योंकि इससे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों साफ होते हैं, इससे अपना मेद भी पिघलता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में वो भी पिघल जाएगा। तो सोचिए जब एक्स्ट्रा फैट पिघल जाएगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा, तो फिर आपके अंदर कौन से रोग रहेंगे? ये डायबिटीज तो कुछ नहीं है, ये तो केवल आपकी आंखों में जमा हुआ पुराना मल, जिसके कारण आपका पैंक्रियास, जिसका काम है अंदर से इंसुलिन बाहर भेजना, उसके ऊपर पुराना मल जम जाता है, लेयर पे लेयर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज आता है, क्योंकि पैंक्रियास उसका वर्क नहीं कर सकता है। जैसे गटर है, उसमें अच्छे से पानी जा रहा है, लेकिन उस गटर में जब कचरा जम जाता है, हम उसको वैक्यूम नहीं करते हैं, उसके अंदर हम कोई ऐसा चीज नहीं डालते हैं जैसे कि टीवी ड्रेनेज जैसा, कि जैसे ड्रेनेज पूरी साफ हो जाए, तो कैसे गटर में कभी पानी नहीं जमता है या कचरा नहीं जमता है, क्योंकि ड्रेनेज साफ है। तो अपनी जो ड्रेनेज है पेट के अंदर, वो ड्रेनेज में हमने गेहूँ की चीजें, मैदे की चीजें इतनी खाई, ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, जो भी खाए, जिससे हमारी ट्रैक पूरी जम गई है। आज पूरी दुनिया इसी पे चलते, ब्रेड, बर्गर और पिज्जा है, नरक के पिज्जा।
इसको हटा दीजिए, ये वीजा कभी मत लीजिए, तो आपके सारे रोग इतनी आसानी से चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया इसकी दीवानी है, और आज हम देखते हैं हर घर में बाप और माता से ज्यादा बच्चे हैं। आज बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाती है, क्यों? क्योंकि आज के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ है, उसको तो बस बाहर जाके पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है और लोगों को इनविटेशन देना है। तो हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा सेवा यज्ञ करना चाहिए। ये शिविर एक सेवा यज्ञ है जो सह परिवार किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि केवल बुजुर्ग के लिए है, बुजुर्ग को तो बेचारे को बहुत गई थोड़ी हुई, लेकिन आज के नौजवान हमारी धरोहर। हम कहते हैं स्वस्थ भारत कब बनेगा, बस स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ भारत भी बनना चाहिए। आज हर घर में डायबिटीज है, हमें इंसान को बचाना है, मानव सेवा को ही मानव सेवा बनाना है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे गुरुजी हमें जो ज्ञान दिया है उसको बांटना है, बेचना नहीं, बांटना है। कैसे बांटेंगे? ऐसे सेमिनार बार बार होंगे तो लोग इस सेवा यज्ञ में अगर भाग लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये त्रिसूत्री साधना में जो मेन है वो है सुबह का हो सके उतना उपवास। उपवास उत्तम है, खाना खराब है, लेकिन भूखा इंसान कब तक रहे? हाँ, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। उसके बाद तो हमें भोजन की भूख लगेगी ही कि हमें कुछ खाने की इच्छा होगी। तब आपको क्या खाना है? तो जैसे सुबह में चाय का ऑप्शन दे दिया, शक्तिवर्धक काढ़ा, अब ऐसे ही आपकी भूख प्यास मिटाने के लिए जब भी भूख लगे तब दिन की शुरुआत आप करेंगे ग्रीन जूस। ग्रीन जूस एक ऐसा जूस है जो हर रोग को रिवर्स करता है। वो जूस में अगर आप ऐसे आपको जैसे डिजीज है वैसे अगर आप पत्ते डालते हैं, जैसे कि सभी रोग में कॉमन पत्ते होते हैं, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली के पत्ते, सरगवे के पत्ते, तो ऐसी कुदरती चीजें, अजवाइन के पत्ते, लौकी, कद्दू, पीला कद्दू, सफेद कद्दू, अदरक, आंवला या आंवले का पाउडर या आंवले का फ्रोजन किया हुआ जूस, कुछ भी, लेकिन आंवला बहुत जरूरी है। तो आंवला, नींबू, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च और घर का बना चाट मसाला, बस ऐसी चीजें जब आप डाल के बनाते हो ग्रीन जूस तो वो गोलगप्पे के पानी की तरह बनता है। लेकिन अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस यानी आंतों में अल्सर, या अपनी जो भोजरी होती है जो खाना हजम करती है, उसमें अगर अल्सर है तो ये वाला ग्रीन जूस आप नहीं ले सकते हैं, उसमें पत्ते बदल जाते हैं। उसमें अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि पेट में अल्सर है तो वो लोग उसमें 10 अनार के पत्ते, 3 बेल पत्र, 3 यानी 1 बेल पत्र में 3 होते हैं यानी कि 9 बेल पत्र, टोटल 3 बेल पत्र और 1 मुट्ठी धरोहर दुर्वा जो गणेश जी को पूजा में रखते हैं। धरो यानी घास नहीं, घास सीधा होता है और धरो एक बीच में सीधा और साइड में भी, ऐसे 3 होते हैं त्रिशूल की तरह, वो है धरो। तो एक मुट्ठी धरो
उसमें आप लौकी एप्पल डाल सकते हैं, बाकी कोई खटाई नहीं, क्योंकि अल्सर यानी अपने पेट में जो अल्सर है, कुछ भी खट्टा डालोगे तो जलेगा, उपवास करोगे तो उसमें जलन होगी, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को सुबह का उपवास नहीं करना, दो चार घंटा बराबर है, ज्यादा नहीं करना। सभी लोगों को एक लाठी से नहीं चलाना है, जिसका जैसा रोग वैसी उसकी परहेज, परहेज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कोई इंसान 24-25 केजी का है या 40 केजी का है, अगर उसको आप कहोगे कि आप सुबह का एयर फास्टिंग करो, तो उसका हाल क्या होगा? सभी को उपवास नहीं करना है। उपवास जिनको यानी कि क्रॉनिक डिजीज है, वेट ज्यादा है, उन लोगों को उपवास करना है। जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनको भूख मारो वो उठ जाए, ऐसे उनको उपवास नहीं करना है। उनका उपवास 2 घंटे का काफी है, क्योंकि सुबह उठ के लेट्रिन जाए, एनिमा करे, स्नान करे, फिर पूजा पाठ करे, योग प्राणायाम करे, तो तब तक हमारा उपवास सही है। तो 2 घंटे में ये सारी क्रियाएं हो जाती है, तो 2 से 3 घंटा उपवास बहुत हो, उससे ज्यादा 25 से अंदर के बच्चों को 3 घंटे का या 4 घंटे का उपवास रहता है, 25 से ऊपर है वो 4 से लेकर 6 घंटे का उपवास, और कैंसर है तो आप 8 घंटे का भी उपवास कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी में उपवास ही इलाज है। तो उन लोगों को निर्जल उपवास भी आहिस्ता आहिस्ता करवा दें। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो आप कम से कम 4 से 6 घंटे का उपवास कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को पानी चाहिए, सीधा पानी डालो तो पेट में लगेगा, इससे अच्छा है आप नींबू पानी डालो। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो आप नींबू पानी में 1 पिंच, 1 उंगली और 1 अंगूठे की चुटकी भरी जाए उतना काला नमक डाल के पियो, तो आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, किसी को ज्यादा वीकनेस फील होती है तो आप सौंफ, शहद और नींबू 1 गिलास पानी में, सौंफ का पाउडर 1 पिंच, उससे ताकत रहती है। तो एक्सरसाइज के बाद सही लिक्विड, सही जूस जाना चाहिए, क्योंकि तब शरीर को सही चीज चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के बाद दोनों गरम गरम चाय पीते हैं, या कुछ फिल्टा फिल्टा डाल देते हैं, यानी कि दूध पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ये गलत है। लोग योग प्राणायाम बाहर बहुत एक्सरसाइज करते, जॉगिंग करते, फिर क्या खाते हैं, फाफड़ा जलेबी, गलत है। ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जब सही आहार जाता है तो ही आपका शरीर निरोग रह सकता है। अगर आप कितने भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे तारा सिंह क्यों न बन जाओ, पूरा दिन एक्सरसाइज करो, योगा टीचर बनो, लेकिन अगर आपका एक्सरसाइज के बाद फूड गलत है, तो आपकी सारी एक्सरसाइज पानी में चल जाएगी। तो इसीलिए आप कैसी भी एक्सरसाइज देखो, आपकी बॉडी को जो सूट करता है वैसी एक्सरसाइज करनी, अपने शरीर को कष्ट देके कोई भी एक्सरसाइज नहीं की जाती। तो योग प्राणायाम बैठे बैठे आप जो भी आसन कर सको वो करो, और उसके बाद सही चीज आपके अंदर जानी चाहिए, ना कि डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट। लोग क्या करते हैं, चाय, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड, सैंडविच, ऐसा नाश्ता करते हैं, बहुत गलत है। एक्सरसाइज के बाद सही आहार, सही जूस। जो जीप करते हैं, यंगस्टर्स के लिए बता रही हूँ, जो जीप करते हैं वो बच्चों को पहले हम अगर ये नींबू पानी शहद दे देते हैं, तो उनमें
एक अलग सी स्फूर्ति आती है। उसके बाद बच्चों को अगर वहाँ पे वे प्रोटीन बोलते हैं वो नहीं देना चाहिए, उसकी जगह पे प्रोटीन सैलेड, प्रोटीन सैलेड में अंकुरित मूंग, अंकुरित चने और मूंगफली अंकुरित करके ऐसी चीज़ों को आप बच्चों को दे सकते हैं। उसमें पिंड खजूर यानी जो अपन खजूर खाते हैं डेट्स, वो डेट्स आप अंदर देंगे, अनार के दाने, मक्का, ऐसा अच्छा सा एक सैलड बना के बच्चों को आप दोगे चाट मसाला या ग्रीन चटनी खजूर की चटनी के साथ, तो बच्चे शौक से खाएंगे और उनको वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप बच्चों को प्रोटीन सैलड दे सकते हैं। अगर बच्चा पसंद नहीं करता है तो उसको आप थोड़ा सा स्टीम करके दीजिए, स्टीम किया हुआ और कच्चा दोनों मिक्स दे सकते हैं। आप यहाँ पे मुझे ज्यादातर यानी कि 40 के बाद के दिखाई देते हैं, एक बेटे पे आ रहा है, तो 40 के ऊपर के हैं उन लोगों को चलती हुई गाड़ी में नहीं बैठना है। ये प्रोटीन सैलेड मैं बच्चों के लिए और जिम वालों के लिए बता रही हूँ, 40 के बाद प्रोटीन यानी कि पल्सेस, दालें, चना, ऐसी चीजें पचाना बहुत मुश्किल है, तो उन लोगों को ये सैलेड नहीं लेना है, उनको वेज सैलेड लेना है यानी कि वेजिटेबल्स। आप उसमें थोड़े से अंकुरित मूंग और अंकुरित अल्फाल्फा सीड, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स है, अल्फाल्फा यानी रजमा, उसको अंकुरित करके हफ्ते भर का साथ में अंकुरित करके सैलेड में डालना है, तो इससे आपको B12 की कमी कभी नहीं आएगी। आजकल लोगों के घरों में B12 की कमी सबसे ज्यादा है, तो सब लोग अगर अंकुरित अल्फाल्फा सीड इवन किडनी पेशेंट भी देते हैं तो अल्फाल्फा उनका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल करता है, उसमें नेचुरल विटामिन्स है और B12 भरपूर है, तो ये उसमें कैल्शियम भी है, जिनको घुटनों की तकलीफ, एड़ी पेड़ी में दर्द है, काल्फ में दर्द है, नस चढ़ जाती है, ये क्या है, ये B12 जब कम हो जाता है तब B12 और B3 हमारा लाइन में होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर वो कम या ज्यादा रहता है B12 और B3 और हीमोग्लोबिन, जिसका हीमोग्लोबिन डाउन है उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो हमें अपना बॉडी प्रोफाइल करवाना चाहिए, मेडिकल साइंस को साथ में रखना है, सर पे हम क्या करते हैं, सर पे रख देते हैं, डॉक्टर ने कहा है 3 बजे गोली खानी है तो अलार्म रख के जग जाएंगे गोली खाएंगे। इससे अच्छा है आप आहार को औषध की तरह ले, तो आपको जीवन भर औषध आहार की तरह नहीं लेनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं हर घर में इतनी दवाइयां हैं, चाहे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, कोई भी एलोपैथ भी आज हर घर में एलोपैथ दवाइयां सबसे ज्यादा है, दवाइयां हमें सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो जब हमें दवाइयों को हटाना है अपने जीवन से, तो अपने जीवन में आहार का आध्यात्म समझना पड़ेगा, अपने घर में नेचुरोपैथी को हमें लाना पड़ेगा। नेचुरोपैथी नेचुरल डाइट सिस्टम NDS न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तो हमारे घर से सभी रोग चले जाते हैं। जब रोग चले जाते हैं सोचिए आप, आपकी कमाई का कितना हिस्सा मेडिकल स्टोर में और अस्पताल में जाता है, कितने धक्के खाते हैं, कितने डॉक्टर्स बदलते हैं। दुनिया में 84 लाख योनि है मनुष्य के अलावा और पालतू प्राणी के अलावा, आपने किसके अस्पताल देखे है किसी
आप किसी गाय भैंस जो भी है वेटरनरी डॉक्टर जरूर होते हैं, लेकिन वो स्वयं ठीक हो जाते हैं, खुद के डॉक्टर खुद होते हैं। कोई भी पशु पक्षी या प्राणी जब भी बीमार होता है तब उसके आगे आप कुछ भी खाने का रखोगे, छप्पन भोग भी रखोगे, तो वो उसमें मुंह नहीं डालेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको शरीर में तकलीफ है तो वो उपवास करते हैं। तो हमारे लिए भी जब हम बीमार होते हैं तब हमारे लिए भी उपवास उत्तम है। इसीलिए जब भी बीमार हो तब हमें हमारे गुरु जी को 100% फॉलो करना है। पूज्य बीवी चौहान साहब, जब हम सुबह का उपवास करते हैं, जब हमें कड़ी भूख लगती है तब हम ग्रीन जूस पीते हैं, और फिर हम ये अपक्व यानी कि फलों पे रहते हैं या फलों का रस पीते हैं और एनीमा करते हैं तो हमारे रोग चले जाते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का जूस हमने जो अलग बताया उसमें आपको किसी भी प्रकार की खटाई नहीं डालनी, उसमें आप सफेद पेठा डाल सकते हैं। सफेद पेठा यानी सफेद कद्दू, उसका मेन उसकी दवाई है। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी मेन दवाई सफेद कद्दू है, एस्टार, वो सबसे अच्छा है स्किन डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, वेट को लॉस करने में, स्किन को ग्लो करने के लिए वो सबसे अच्छा टॉनिक है। तो बाल झड़ते हैं जिसके, उसके बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं, तो सफेद कद्दू, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा 2x2 इंच का एक पीस अगर आप रोजाना खाते हो तो आपको बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। लेकिन 2x2 से ज्यादा आप नहीं खा सकते, ध्यान रखना 2x2 इंच का एलोवेरा रोज आप काट के छील के अगर खा जाते हो तो आपको कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी स्किन में झुर्रियां नहीं पड़ेगी और आप में एक अजब सी ताकत रहेगी जैसे एक नौजवान में रहेगी। ऐसी ही एक चीज है जवारे का जूस, वीट ग्रास जूस, लेकिन फ्रेश ताकतवर। अगर आप फ्रेश 100 ग्राम वीट ग्रास का जूस रोजाना लेते हो तो आपको बी ट्वेल्व की कमी कभी नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, आपका खून कभी दूषित नहीं होगा, खराब नहीं होगा। वीट ग्रास का जूस सभी के लिए उत्तम, 100 ग्राम जवारे ले लेंगे, 4x4 इंच के जवारे होते हैं तभी वो इफेक्टिव होते हैं। 4 इंच से पहले आप काट लेते हो गेहूँ के जवारे तो वो काम नहीं करते, यानी 4 इंच के चाहिए। आप 8 गमले लगा दो अपने घर में, जो जिसमें 100-100 ग्राम आए गेहूँ डाल के आप उसको गेहूँ, जवारी या जौ, किसी के भी जवारे आप उगा सकते हैं। और किसी को अगर इतनी सुविधा नहीं है और आपको इतना वक्त नहीं है तो आप जवारे बदलवा भी सकते हैं। तो जवारे का आधा गिलास जूस ऐसा टॉनिक है कि आपको पूरा दिन चुस्त और स्फूर्तिवान रखेगा। इससे हमें कभी कैंसर भी नहीं होता है, इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं इसके जूस को। तो वीट ग्रास जूस और 2x2 का एलोवेरा। अगर उम्र ज्यादा है तो आप 1x1 इंच का एलोवेरा काट के खा जाओ, आप देखो आप में कितनी स्फूर्ति आती है। हमारे रमन दादा जैसे, रमन दादा इधर पधारे हुए हैं, वो योग शिक्षक है और जबरदस्त योगा करवाते हैं, तो उनका भी हम लाभ लेंगे बाद में। तो पहले क्या सुबह का वक्त ऐसा होता है कि जितना डालो इसमें चला जाता है, क्योंकि हमारा मेन खुराक है गाढ़ निद्रा,
गाढ़ निद्रा हमारा मेन खोराक है, हमारे शरीर का वो आप लेके आए तो सुबह का जितना डालोगे 12 बजे तक उतना इसमें फिट हो जाएगा। फिर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए थोड़ा, तो फिर हम थोड़ा सा किसी का, जैसे दिनेश भाई ने आपका एंटरटेनमेंट तालियां बजा के करवाया, वैसे थोड़ा करवाते तो क्या होता है आपकी नींद उड़ जाती है। और आज को वैसे भी नींद नहीं आने वाली है क्योंकि दोपहर को अपहरा है, यानी कि अमृत आहार है, तो नींद नहीं आती है। नींद किससे आती है? दाल चावल सब्जी रोटी ऐसी चीजों से आती है। तो जब हम अमृत भोजन करते हैं तो नींद नहीं आती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला टॉपिक पूरा कर दूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को खट्टाई बिल्कुल नहीं देनी, ना नींबू ना आंवला। आपको अगर चाकू लग जाता है उंगली में और आपको घाव हो जाता है तो आपको कोई कहे घर में कि आप नींबू काटो, टमाटर काटो, आंवले काटो, कोई भी ऐसी चीज काटो जिसमें आपको घाव में जलन होता है तो आप काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। ठीक वैसा ही घाव अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आपके इंटेस्टाइन में आपकी आंतों में घाव हो गए तो उस पे आप कोई भी खट्टी चीज डालो, तेल वाली चीज डालो, मिर्च डालोगे यानी कि लाल मिर्च, कोई भी मिर्ची वाली चीज डालोगे, कोई गरम गरम चीज डालोगे तो आपको पेट में दर्द होगा, चुभन होगा और आपको ऐसा उसमें सूर उठेगा कि आप सह नहीं पाओगे और फिर आपको क्या होगा, लैट्रिन के द्वार पे कट्स बन जाएंगे और फिशर हो जाएगा और आपके लैट्रिन में भी ब्लड जाएगा क्योंकि आपने अंदर गर्म गर्म तेल मिर्ची डाल दी तो क्या होगा, वो घाव में ऐसे जलेगा, उससे खून बहने लगेगा, वो खून लैट्रिन के जरिए यूरिन के जरिए। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को खट्टी चीजें नहीं डालनी है, जो घाव में जलन देता है वो चीज नहीं देनी, अपने डॉक्टर खुद बताओ। तो जब भी आपको पेट में दर्द हो तेल मिर्च बंद कर दीजिए बस। अब आपका ये टॉपिक खत्म, अब हम आगे चलते हैं एनी से। एनी बात सबको मुद्रा में लेना आता है कि आप लोग केवल बैठे बैठे लेते हो? अगर आप बैठे बैठे एनीमा करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता, एनीमा लेट के लिया जाता है। वो मुद्राएं जो एनीमा पॉट आता है उसके अंदर एक पैम्फलेट आता है, वो पैम्फलेट में सारी मुद्राएं हैं। हमारा वीडियो भी है, हमने एक वीडियो भी बनाया है जो चौहान साहब ने यूट्यूब पे डाला था उनके लेक्चर, उसमें हमने सारी मुद्राएं दिखाई है। अभी तो हमें खाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम कैसे पता आपको कि ये मुद्रा आप कैसे करें। पोजीशन आपको टॉयलेट सीट के ऊपर ले लेनी है, फिर आपको मुद्रा करनी है लेट के, वो बताई है आपको। आप अगर लेट के एनिमा करते हो दाएं, फिर आधा पॉट दाएं आधा पॉट उल्टा, उसी में उल्टा हो जाए, जैसे थोड़ा प्रेशर बने मुद्रा चेंज, उसी में आप उल्टे हो जाए, जैसे पेट के बल सोते हैं ना उल्टे, जैसे बिल्कुल पेट के बल सो वैसे हो जाए। और पानी खत्म होते ही पाइप निकाल दीजिए और फिर आपको जब प्रेशर बने तुरंत कबोर्ड में बैठ जाए, इससे आपका शुगर का लेवल तुरंत कंट्रोल में आ जाए, जिसका एनिमा सक्सेस उसका लाइफ सक्सेस, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन साफ तो सभी लोग माफ, बड़ी आंत में फंसा हुआ कचरा ही सभी लोगों की जड़, तो उसको हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सही एनीमा। हम लोग बैठे बैठे करते, बैठे बैठे में आपका इंटेस्टाइन पूरा साफ नहीं होता है क्योंकि इंटेस्टाइन का शेप आप सब जानते हो कैसा होता है, जैसे ये है ना एनिमा पॉट के नीचे वैसा,
लेकिन अच्छा हाँ इधर भी है। तो ये इंटेस्टाइन में जो हमारा भोजन का जो कचरा जमा होता है, क्योंकि पक्व भोजन हमें 48 आवर्स में हजम होता है, 48 घंटे में एक बार हजम होता है, और हम 48 घंटे में करीबन 4 बार पक्व भोजन खाते हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कैसे हजम होगा? बिल्कुल गलत। फिर आपको ये रोग होने ही वाले हैं, क्योंकि आप देखिए जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की तो भगवान शिव ने नंदी को क्या कहा? नंदी को कहा था कि पृथ्वी पे जाके बोल के आओ, 3 बार नहाओ, 1 बार खाओ। नंदी ने घोटाला कर दिया, 3 बार खाओ 1 बार नहाओ, और इंसान ने तो पूरा घोटाला कर दिया। सुबह उठ के खाना शुरू करो और रात को सो तब तक खाओ, दिनों ही मत, 3 बार भी नहीं, 5 बार, 7 बार, बस जब भी याद आया खाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो। फिर क्या हुआ? रोग आए जो हमारी जन्म कुंडली में नहीं लिखे, फिर भी आ गए। ये क्या है? ये गलत भोग का परिणाम होंगे। सुबह उठ के आप देखोगे पान का गल्ला, यानी कि पान की शॉप सुबह 5 बजे खुल जाती है, तंबाकू सुबह 5 बजे, हाँ, उसके बाद चाय की इडली देखो कितनी जल्दी खुल जाती है। जूस सेंटर इतने जल्दी नहीं खुलते क्योंकि जूस पीने वाले इतने जल्दी नहीं मांगते, बोलते चाय नाश्ता करके बाद में पिएंगे। जबकि दिन की शुरुआत कभी भी चाय कॉफी से नहीं करनी चाहिए, अल्कलाइन फूड से करनी चाहिए। हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का रेशियो है 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड, यानी पक्व भोजन। केवल 20% पूरे दिन में जाना चाहिए। अगर आप 2 बार खाते हो ना तो आपको 90% कच्चा और 10% पक्का, यानी कि प्रोटीन सैलेड या उबली हुई सब्जियां या सूप। अगर आप उम्रवान हो तो आप दोपहर को नहीं, बिल्कुल कच्चे पे नहीं रह सकते हो, तो आप सूप और सब्जी ले सकते हो, लेकिन पहले थाली भर के कच्चा खाने के बाद। लेकिन हम तो सुबह उठ के ही पक्का चालू कर देते हैं, हाँ, शिव जी को एक तरफ, नंदी को एक तरफ, और हमारा कक्का एक था। सुबह उठ के गरम गरम खाओ, फिर पूरा दिन ये भी गरम गरम, सब पे गुस्सा, और गुस्से से क्या होता है? ब्लड प्रेशर आता है। अपना प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि खून में गर्मी कब बढ़ती है? गरम गरम खाओ और ये तेज दिमाग चलाओ, क्या होता है? फिर ब्लड प्रेशर आता है। तो अगर रोगों को हटाना है तो पहले अपने गुस्से को काबू में पी जाओ, उसको गुस्सा करना छोड़ दो और खुश रहना सीख जाओ। बस हंसते रहो, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, उसकी मर्जी से होने वाला है। तो आप पहला नियम करें कि हम दिन में 3 बार पक्व भोजन ना खाएं। नंदी ने कहा 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ, और हम तो सुबह उठ के खाओ और रात तक खाते रहो, इसका परिणाम क्या है बताए? होटल से बड़ी हॉस्पिटल है आज, मल्टी स्पेशलिटी 22 मंजिल की हॉस्पिटल है, कहीं भी जगह नहीं है। जाइडस वो सिम्स कहीं भी जाओ, इतने लोग बाप रे बाप। हम देखते हैं कि आज कितने लोग बीमार हैं, आप आज इतने लोग हैं जो योग प्राणायाम मेडिटेशन और चौहान साहब को जो फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, उनके घर में दवाई नहीं हो। बाकी कितने कितने लोग हैं ऐसे कि जिनके घर में किसी भी पति की दवाई नहीं आती है और किसी भी पति की थक्की नहीं आती है,
ऐसे आप में से, आप तो इतने जने हो, ऐसे इसमें से कोई भी ऐसा है जिनके घर में किसी भी पति की दवाई नहीं आती है, वो अपना हाथ ऊपर कर, किसी भी पति की नहीं आती, तो आप एमबीएस करो। तो यही तो मैं बोली कि एमबीएस फॉलो करते हो, नेचुरोपैथी फॉलो करते हो, योग प्राणायाम मेडिटेशन करते हो, उनके घरों में दवाई नहीं आती। लेकिन ये जो फॉलो नहीं करते हैं और कितने भी हनुमान चालीसा करते हैं फिर भी दवाई आती है, तो भगवान ने क्या सिखाया है? जब हनुमान चालीसा करते हैं तो उसको आप आत्मसात करो। आप अगर रामायण खोलो, आप भगवान ने जो जन्म लिया अपने शास्त्रों को खोलो, तो अपने शास्त्र ने हमको क्या सिखाया? भगवान राम 14 साल वनवास गए, क्या खाया क्या पिया, क्या 14 साल में 14 बर्थडे और 14 एनिवर्सरी तो आई ही होगी। तो कभी आपने भगवान राम और सीता माता को केक काटते हुए देखा है? तरबूज काटा हो, वन में मिलते हुए वन फल काटे हो, लेकिन कभी भी अपने बर्थडे पे पकौड़े तलते हुए, पूरी तलते हुए सीता मैया को नहीं देखा? हाँ, वन में मिला वो वन फल और झरने का बहता पानी पिया तो ना उनका भीतर कम हुआ और ना ही उनको कोई रोग हुआ। 14 सालों में उनको कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ा, इमरजेंसी में 108 बुलाओ और सीता माता को ले जाओ अस्पताल, हुआ ऐसा नहीं। क्योंकि उन्होंने जो वन में मिला वो कुदरती आहार लिया, तो कुदरती आहार कभी रोग पैदा नहीं करता है, बहता हुआ झरने का पानी कभी बीमार कम नहीं करता है, आज का आरओ का पानी बीमार कम करता है। तो हमें बैक टू पेरेंट्स, यानी कि हमारे बुजुर्ग जैसा खाते थे जैसा पीते थे वैसा खाना पड़ेगा और वैसा पीना पड़ेगा, तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा। हमें बताना पड़ेगा हाँ कि 12 बज गए, वरना हम तो आप बोलोगे तो